गुड मॉर्निंग सर स्टूडेंट को अपने पार्ट लेसन 5 में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कुछ। पहला सवाल है यहाँ पे 20 सेमी त्रिज्या के एक गोलीय कोश को 10 माइक्रो कूलम्ब दिया गया है, तो बिंदु की निम्न स्थितियों में विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने को दो बातें बताई गई हैं। नंबर वन, यहाँ पर अपने को त्रिज्या दे रखी है गोलीय कोश की और गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है 20 सेमी। दूसरा, अपने को आवेश दिया है 10 माइक्रो कूलम्ब आवेश। माइक्रो कूलम्ब को अपने किस में कन्वर्ट कर देंगे, कूलम्ब में, और क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देंगे। अब बिंदु की अलग अलग स्थिति है, r का मान दिया है केंद्र से 25 सेमी दूरी पर, त्रिज्या 20 सेमी है, तो 25 सेमी यानी बिंदु कहां पर होगा, सतह के बाहर। पहला बिंदु कहां पर है, सतह के बाहर। दो नंबर, केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, त्रिज्या कितनी है 20 सेमी, इसका मतलब बिंदु कहां पर है, सतह पे। तीसरा है 10 सेमी दूरी पर, यानी बिंदु कहां पर है, सतह के अंदर। और लास्ट है केंद्र पर। R का मान कितना होगा 16, R का मान 0। तो यहाँ पर अलग अलग स्थिति में अपने को वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले जो अपने को दिया है वो लिखेंगे अपन, कैपिटल R का मान यहाँ पर है अपने पास 20 सेमी, और 20 सेमी को कन्वर्ट करेंगे अपने 20 मीटर में, 100 का भाग देंगे 100 यानी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को जाएगा किस में जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻²⁺ मीटर। इसी प्रकार आवेश है यहाँ पर q का मान, और क्यों अपने को दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁶ कूलम। अब पहली पोजीशन में अपने को केंद्र से 25 सेमी दूरी पर वोल्टेज पूछा है, तो गोलीय कोश के लिए अपने जानते हैं सॉल्यूशन, इसका अपने हल करेंगे। गोलीय कोश के लिए अपने जानते हैं कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह के बाहर होगा तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, V बराबर KQ बटा में स्मॉल r। ये फॉर्मूला है, इसमें अपने सारे मान रख देंगे। सबसे पहले k का मान रखना है, k यानी स्थिर विद्युत की नियतांक, तो k का मान होता है 9 × 10⁻⁹, जो पहले लेसन में अपने पढ़ चुके हैं। स्मॉल q का मान है 10 माइक्रो कूलम, यानी 10 × 10⁻⁶। इसी प्रकार स्मॉल r का मान है 25 सेमी, तो 25 सेमी को मीटर में बदल देंगे, यह आ जाएगा 25 × 10⁻²⁰ मीटर। अब अपने इसको हल करेंगे, तो यहाँ से देखें 25 और 10 कैंसिल हो रहा है, 5 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 का अपने 2 से गुणा कर देंगे, 9 गुणा आ जाएगा 18, तो V बराबर आ जाएगा 18 बटा में क्या बचा है 5 × 10⁻², ऊपर कितना है 9, माइनस में 6, और ये माइनस में 2 है, ये माइनस वाला 2 जैसे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11 प्लस में, और माइनस में कितनी हो गई 6। 5 का भाग देना है अपने 18 में, तो भाग जाएगा कितने पर 3 पर, 5 दिया 15, यहाँ पर कितना बच गया 3, पॉइंट लगा देंगे 0 आ गया, 30 बन गया, 6 × 5 = 30, 3.6 × 10⁻¹ कितने बच गई है 5, और मात्रक क्या जाएगा वोल्ट। इस प्रकार से ये पहला पार्ट हुआ फिनिश, बहुत ही आसान सा है, आप कैलकुलेशन करके देखें। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट में, तो दूसरा पार्ट क्या है, 10 सेमी दूरी पर अपने को वोल्टेज पूछा है कि गोलीय कोश की सतह, गोलीय कोश के केंद्र से दोनों अपने से पूछा 20 सेमी दूरी पर, गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर वोल्टेज कितना होगा, तो 20 सेमी दूरी दी है अपने को, और 20 सेमी क्या है, त्रिज्या है, इसका मतलब बिंदु कहां पर होगा, सतह पर। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपने, V बराबर होता है KQ बटा में कैपिटल R, ये फॉर्मूला है। अब इसमें अपने को मान रखना है, मान रखेंगे अपने, तो V बराबर आएगा K का मान कितना है 9 × 10⁻¹, Q का मान है 10 × 10⁻⁶, इसके बाद में R कितना है 20 सेमी है, 20 × 10⁻², 0 से 0 कैंसिल, 9 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, 9 / 2, V इक्वल टू 9/2 × 10⁻², यहाँ पर कितना है 2, ये है माइनस 2 पर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और माइनस में कितना है 6, बहुत ही आसान, 9 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4.5 × 10⁻¹⁹, 10⁻², 2 × 2 = 11, 11 तो है प्लस में, और माइनस में कितना है 6, तो ये बच गया 5, ये आंसर आ गया।
4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। इसके बाद तीसरा पार्ट है 10 सेमी दूरी पर, त्रिज्या कितनी है 20 सेमी, दूरी कितनी है 10 सेमी, यानी अपने को कहां पर पूछा है वोल्टेज सतह के अंदर। फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं पहले ही कि गोलीय कोश की सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, व्यंजक के रूप में कितना होगा, वो इसे v बराबर kq बटा में r, वो इसे मैंने जो सतह पे है, सतह से लेकर केंद्र तक वोल्टेज क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब इसे अपने सारे मान रख देंगे, k का मान रख देंगे, q का मान रख देंगे, r का मान रख देंगे। अभी साइड में अपने बराबर हल किया है, आंसर कितना आ जाएगा 4.5 * 10 की पावर 5 वोल्ट। इसी प्रकार कंडीशन नंबर 4, अपने को पूछा है कि केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा, तो केंद्र पर वोल्टेज उतना ही होगा जितना कहां पर होगा, सतह पर होगा। तो v बराबर क्या आएगा, kq बटा में r, ये फार्मूला है, इसमें अपने सारे मान रख देंगे, इसको हल करेंगे अपने, तो आंसर आएगा 4.5 * 10 की पावर 5 वोल्ट। चार में से तीन आंसर सेम है, एक जैसे है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है 3.2 * 10 की पावर -7 कूलम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए 1.6 * 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, वोल्टेज निकालना है यहां से, और दो वैल्यू अपने को दी हुई है, एक अपने को चार्ज दे रखा है और दूसरा अपने को वर्क दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये बताऊं कि यहाँ पर दिया क्या है, एक अपने को दिया है आवेश का मान कितना है 3.2 * 10 की पावर -7 कूलम, दूसरा अपने को कार्य दिया है डब्ल्यू, और कार्य यहाँ पे है 1.6 * 10 की पावर -5 जूल। वोल्टेज अपने से पूछा है V = क्या है क्वेश्चन मार्क, तो विद्युत विभव के सूत्र से विद्युत विभव का फॉर्मूला लगाएंगे, V = W / Q, ये फॉर्मूला है, इसमें अपने मान रख देंगे सारे मान, W यहां पे है 1.6 * 10 की पावर -5, आवेश यहां पे है 3.2 * 10 की पावर -7, पॉइंट से पॉइंट अपने हटा दें 16 × 32 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू आएगा 1/2 * 10 की पावर, 10 की पावर ऊपर कितनी है -5 है, बटा में कितनी है -7 है, और जैसे ही बटा वाली राशि को अपने ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में कितने हो गए 7, प्लस में 7 है, माइनस में कितने हैं 2, तो प्लस में कितने रहेंगे 2 रहेंगे, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी 100, और 100 में हमें क्या करना है 2 का भाग देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट, ये आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है 10 सेमी त्रिज्या का एक ऐसा गोला है जिसे 15 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है, और बिंदु की निम्न चार स्थितियों में अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर 1, केंद्र से 14 सेमी दूरी पर, त्रिज्या 10 सेमी है, बिंदु की दूरी 14 सेमी है, इसका मतलब बिंदु कहां पर है सतह के बाहर। दो नंबर अपने पूछा है सरफेस पर, सतह पर पूछा है। तीन नंबर अपने पूछा है सेंटर पर, केंद्र पर, और चार नंबर है केंद्र से 4 सेमी दूरी पर, यानी सतह के अंदर पूछा है। तो सबसे पहले अपने नंबर 1 केंद्र से 14 सेमी दूरी पर वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज की। जब बिंदु HL गोले की सतह के बाहर होता है तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, V बराबर kq बटा में स्मॉल r। जब बिंदु HL गोले की सतह के बाहर होता है तो विद्युत विभव V बराबर kq बटा में r। अब इस फॉर्मूले में हम सारे मान रखने हैं, V का मान निकालेंगे तो k का मान अपने जानते हैं 9 × 10 की पावर 9, q आवेश है और आवेश कितना है 15 माइक्रो कूलम, यानी 15 × 10 की पावर -6 कूलम, 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं 10 की पावर -6 कूलम। दूसरा है बिंदु की दूरी कितनी है 14 सेमी, यानी मीटर बदलेंगे 14 × 10 की पावर -2,
अब इसको अपने हल करेंगे तो v इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 135 बटा में आ जाएगा 14 इनटू 10 की पावर, ये माइनस में 2 है, जैसे ऊपर में जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए 11, 11 प्लस के माइनस में कितने हैं 6 हैं, तो प्लस का यहां पर कितना बच गया 5, तो v इज इक्वल टू 135 बटा में 14, 135 में 14 का भाग देंगे ये आएगा 9.6 इनटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये पहला पार्ट फिनिश। दूसरा आपने से पूछा है कि सतह पर वोल्टेज कितना होगा, तो सतह पर वोल्टेज निकालेंगे अपने, सतह पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ऐसा भी बोले कि सतह पर विद्युत विभव का सूत्र लगाएंगे, तो ये होता है V बराबर KQ बटा में कैपिटल R, मान रखते हैं सारे K का मान कितना है 9 गुणा में 10 की पावर 9, Q का मान कितना है 15 माइक्रो कूलम है, 15 इंटू 10 की पावर -6, और लास्ट में अपने को रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2, बहुत ही आसान। तो V इक्वल टू आ जाएगा, V इक्वल टू 15 का अपने 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा इंटू 10 की पावर, यहां पर 9 है प्लस में, माइनस में कितनी है 6 है, तो बटा में देखते हैं 10, 10 का मतलब 10 की पावर 1 है, 1 प्लस में है 2 माइनस में है, तो माइनस में रहेगी 1 और वो ऊपर जाएगी इसमें हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो 9 और 1 10, तो V इक्वल टू आ जाएगा 135 इंटू 10 की पावर 4, जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं 13.5 इंटू 10 की पावर 5, और मात्रक क्या जाएगा वोल्ट, बहुत ही आसान। इसके बाद तीन नंबर अपने से पूछा गया है कि सब केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा, तो केंद्र पर विद्युत विभव सतह का कितना होता है, कल का अपना प्रश्न था सतह का कितना गुना होगा 3/2 गुना होगा या 1.5 गुना होगा, तो तीसरा पार्ट अपना ये है V केंद्र इसका लिखो 3/2 KQ बटा में R, ये मान कहां पर है सेंटर पे है सॉरी सतह पे है, तो V केंद्र इसका लिखो आ जाएगा 1.5 और KQ बटा में R, ये मान आपने अभी निकाला है, कितना मान निकाला है 135 इंटू 10 की पावर 4, 135 का 15 से गुणा कर देंगे तो केंद्र पर विद्युत विभव आ जाएगा 15 का गुणा करेंगे 5 से, 15 का 5 से किया 75, असल विद्युत बच गई 7, 15 किया 45, 45 और 7 52, असल विद्युत बच गई 5 और 15 और 5 हो गए 20, तो ये आ गया 202.5 इंटू 10 की पावर 4, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 20.25 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये पार्ट भी फिनिश। तीन पार्ट कर लेते हैं, चालक बोले के लिए बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन आपको करके देखनी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के अंदर, लास्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहेगी। लास्ट पॉइंट अपने से पूछा है कि केंद्र से 4 सेमी दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, त्रिज्या कितनी है चालक बोले कि 10 सेमी, और केंद्र से कितनी दूरी पर पूछा है 4 सेमी दूरी पर, इसका मतलब बिंदु कहां पर है, बिंदु सतह के अंदर है, तो सबसे पहले वोल्टेज का सूत्र लगाएंगे V बराबर KQ, सूत्र क्या था 3R² - R² बटा में 2R³, ये फॉर्मूला है। एचआरए बोले कि सतह के अंदर या एचआरए बोले कि सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, V बराबर KQ 3R² - R² / 2R³, यहाँ पर जो स्मॉल r है वो बिंदु की दूरी है और कैपिटल R क्या है एचआरए गोले की त्रिज्या है। मान रखेंगे K का मान है 9 × 10⁻¹, ये प्रश्न आपका ये आपको अल्पनाइंस में बताना है कितना है इसका, एचआरए गोले की सतह के अंदर स्थित 4 सेमी दूरी पर, केंद्र से 4 सेमी दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, मैं मान करता हूं और इस फॉर्मूले के अंदर
और जो कैलकुलेशन वो आपको करनी है। q का मान अपने को दिया हुआ है कितना, 15 × 10⁻⁶, 3 के साथ में 3 रख देंगे। r कितना है अपने को दिया हुआ है 10 सेमी है, r स्क्वायर है इसलिए इसको मैं दो बार लिखा, 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। माइनस समूह r से दिया हुआ है और समूह लिखा है स्टार्टिंग में 4 सेमी है, तो याद रहेगा 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², बटा में 2 r³, दो के स्थान पे 2 लिखना है, r³ और r कितना है 10 सेमी है, तो 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², और 10 × 10⁻², याद रहेगा। अब इसको बना हल करेंगे, तो वीज कर दो मल्टीप्लाई करना है 15 का 2 से 135 आएगा, 135 × यहां पर पावर कितनी है 9, यहां पर पावर कितनी है माइनस में 6, तो प्लस में कितनी रहेगी 3 रहेगी। अंदर वाले को हल करके इस प्रकार से कर सकते हैं, 30 और 30 का 10 से गुणा किया कितने आ गए 300 × 10⁻², -2 गुणा में अगर आधार समान है तो भाग हो जाएगी, तो -2 - 2 कितना हो गया माइनस का 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 16, 16 × 10⁻², -2 - 2 कितना आ जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार बटा में आते हैं, तो बटा में यहां पे 2 के स्थान पे 2 लिखेंगे अपने। अब देखो 10 कितनी बार है, 1, 2, 3, यानी 10³ प्लस में है, माइनस में कितनी है 2, 2 × 4, 2 × 6, माइनस में कितनी है 6 है, तो माइनस में कितनी रह गई 3 रह गई। अब देखो अपने यहां से क्या कर सकते हैं, 10⁴ को कॉमन ले सकते हैं, 10⁴ को कॉमन लेंगे तो बीज कल को आएगा 135 × 10³, यहां से अपने क्या करेंगे 10⁻⁴ को ले लिया कॉमन, तो यहां पर बच गया 300 − 16 / 2 × 10⁻³। इस माइनस से जो भी अपने भाग निकाल सकते हैं, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 के साथ में 2 और यहां पर 10⁻³ लिख सकते हैं। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं v = 135 × 10⁻³, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 6, माइनस में कितना है 4, बटा में कितना है 2, यहां पर 2 लिख सकते हैं अपने, 300 − 16 यानी 284, और 284 को अपने 2 से काट सकते हैं, 1, 4, 2, 142 आ गया। लगभग कैलकुलेशन मैंने कर दी है, v = ये आएगा 135 × 142 × 10⁻²। अब इससे आगे आपको हल करना है, बहुत ही आसान है, आप इसको हल करें, जो भी आंसर आता है कमेंट करना है, आपको लिखकर भेजना है, जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, 135 का 142 से गुणा करना है, आगे 10⁻², है। इसी के साथ ये 3 वेरिएबल थे आज के जो कंप्लीट हुए, इनको अच्छे ढंग से पढ़ना है, आगे जब अपने टेस्ट लेंगे मंडे को, तो इस मंडे वाले टेस्ट के अंदर लेसन नंबर 3 कंप्लीट जितना करवा दिया जाएगा पूरा आपको याद करना है, पढ़ना है। PDF आपको बाद में भेजी जाएगी मंडे के बाद में, तब तक आप वीडियो देखें, उनको लिखें, याद करें। धन्यवाद।